व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। वैसे तो सारा लिखार हमेशा ही सुर्खियों में बनी रहती है और साथ ही साथ वो अपने सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती है और नए नए पोस्ट शेयर करती रहती है, लेकिन वो इस बात को लेकर तो सुर्खियों में रहती ही रहती है, इस बात को लेकर भी रहती है कि अमृता सिंह यानी कि उनकी माँ और पिता सैफ अली खान के डायवोर्स को लेकर। इस चीज पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अच्छा है कि वक्त रहते उन्होंने डायवोर्स ले लिया, क्योंकि इसके बाद वो दोनों अपनी अलग अलग जिंदगी काफी अच्छे से बिता रहे हैं। और मेरा करीना कपूर जो मेरी सौतेली माँ है, जिनको मैं सौतेला नहीं मानती, उनके साथ भी मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है और उनके घर आते जाती रहती हूँ। और यहाँ तक कि जब भी मुझे अपने पिता यानी सैफ अली खान की जरूरत होती है, वो मेरे हमेशा मेरे लिए मौजूद रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम बात सारा अली खान की नहीं, यहाँ पर बात करें अमृता सिंह और सैफ अली खान की। इनका डायवोर्स तो हो चुका था, लेकिन ये डायवोर्स क्यों हुआ था, इसके पीछे नाम किसका आया है वो भी बता देते हैं कि एक समय था जब ये दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब एक क्रिकेटर अमृता सिंह की जिंदगी में आया तो उस क्रिकेटर ने पूरी जिंदगी ही बदल दी। उस क्रिकेटर का दिल आ चुका था अमृता सिंह पर। जब सैफ अली खान को ये बात पता चली तो वो गुस्से से खुद को रोक नहीं पाए और इन चीजों को लेते लेते स्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि डायवोर्स तक बात आ गई थी। और ये क्रिकेटर कोई और नहीं, ये क्रिकेटर थे रवि शास्त्री। जी हाँ, रवि शास्त्री आज शादीशुदा है किसी और के साथ, लेकिन एक समय पर ये दीवाने हो चुके थे अमृता सिंह के। तो इनकी ये लव स्टोरी शुरू हुई थी या नहीं, क्योंकि बात शादी तक पहुंच गई थी, तो ये पूरा मामला था क्या वो हम आपको बताते हैं। आज के समय में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने बॉलीवुड के अभिनेत्रियों को डेट किया है और उनसे शादी की है। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो क्रिकेट और बॉलीवुड का एक बहुत ही पुराना रिश्ता है जिसे आज के समय में सभी लोग जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर ऐसी एक जोड़ी सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री के बॉलीवुड की नामी अभिनेत्री को डेट किया था और उसे शादी भी करने वाले थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते ना शादी हो पाई और ना ही कुछ हो पाया। जिस अभिनेत्री की बात हम कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की पहली पत्नी अमृता सिंह है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सैफ अली खान की पहली पत्नी अमृता सिंह एक समय ऐसा था जब क्रिकेटर रवि शास्त्री जी की दीवानी थी और उनसे बेहद प्यार किया करती थी। आज आपको आगे इस आर्टिकल में बॉलीवुड की इस अभिनेत्री अमृता सिंह और क्रिकेटर रवि शास्त्री के इस अनजान रिश्ते के बारे में बताते हैं जिससे अभी तक आप सभी बेखबर थे। अमृता सिंह जो कि सैफ अली खान की पहली बीवी रह चुकी है, अमृता सिंह कोई छोटी अभिनेत्री नहीं बल्कि वह अपने समय की सबसे बहुत बड़ी और नामी अभिनेत्री है जिनका आज के समय में बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। अमृता सिंह अपने समय की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थी जिसके चलते सभी लोग इनके दीवाने हुआ करते थे। इन दिनों सोशल मीडिया पर अमृता सिंह अपने पुराने प्यार की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है जिसके चलते वर्तमान समय में सभी लोग उन्हीं के बारे में बातें ही इनके करे जा रहे हैं। बताया जाता है कि अमृता सिंह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रवि शास्त्री जी को डेट कर रही थी और उनके साथ रिलेशनशिप में भी थी। अमृता सिंह और रवि शास्त्री जी ने काफी सालों तक एक दूसरे को डेट किया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जब दोनों अलग हो गए। आपको आगे की बात में बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते दोनों अलग हो गए और अमृता सिंह ने सैफ अली खान से शादी कर ली। अमृता सिंह बॉलीवुड की नामी अभिनेत्री रह चुकी है। एक समय ऐसा था जब अमृता सिंह ने भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री को पसंद करती थी और उनको काफ़ी सालों तक डेट भी किया था और यहाँ तक कि अमृता सिंह और रवि शास्त्री ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन फिर दोनों के बीच में आपसी बात के चलते अनबन हो गई। इसी की वजह से आगे जाकर दोनों अलग हो गए। रवि शास्त्री से अलग होने के बाद अमृता सिंह बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को डेट करने लग गई और आगे जाकर उनसे शादी कर ली। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अमृता सिंह अपने पति सैफ से भी अलग हो चुकी है और वर्तमान समय में वह अकेले ही रहना और जीवन व्यतीत करना काफ़ी पसंद करती है, लेकिन वो हमेशा से सारा अली खान को कहती है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी जैसे जीनी है तो वैसे जी सकती हो, किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। और सारा अली खान भी इस चीज़ से पूरी वाकिफ है कि किसी के साथ रहने से अच्छा है कि किसी से अलग हो जाया जाए। तो आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेके, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ।